अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो है फ्रूट केक। तो बहुत ही मज़ेदार, सिंपल, इजी रेसिपी है। शाम को आप चाय के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार है, बहुत बहुत सिंपल और डिसेंट है, बहुत मज़े का लगता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो हैं, सबसे पहले तो जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है ट्यूटी फ्रूटी 2 टेबल स्पून, सब मतलब कलर्स की, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। फिर मैंने 2 अंडे लिए थे, फिर मैंने बादाम लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून, फिर मैंने सॉल्ट लिया है, और फिर यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 1 कप, और चीनी ली है 1/2 कप, पाउडर शुगर लिया है, और यहाँ पे फिर मैंने लिया है मक्खन 150 ग्राम्स, एंड देन मिल्क, और यहाँ पे किशमिश। ब्लैक वाली किशमिश, काली किशमिश ली है मैंने, ठीक है। फिर ये देखें, मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा दिए हैं, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। ट्यूटी फ्रूटी, बादाम, मैदा, मक्खन, नमक, बेकिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें ली हैं। फिर यहाँ पे मैंने बोल लिया है, उसमें मैंने मक्खन मक्खन को मैंने सबसे पहले बीट करना है, उसके बाद इसमें मैंने चीनी डाली है, ठीक है। फिर इसको मैंने बीट कर लिया है, उसके बाद मैंने साथ ही अंडे, 2 जो अंडे लिए थे वो डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मेरा बैटर बन गया, तो उसके बाद अब मैं इस पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने मतलब कि मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर दोनों को, तीनों चीज़ों को छान के इसमें डाल दिया है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा थिक बैटर होता है, तो मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस लिया है, वो मैं डालूँगी 1 to 2 टीस्पून डालूँगी, ठीक है। तो वो मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैंने ट्यूटी फ्रूटी डाल दी है, फिर मैंने यहाँ पे किशमिश डाल दी है, फिर मैंने बादाम डाल दिए हैं, और हमारा यहाँ पे बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इनको बेक करूँगी, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्पोजेबल प्लेट ले ली है, फिर उसको मैंने बटर से थोड़ा बटर लगाया है या ऑयल लगाया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने वो बटर पेपर लगा दिया है। अच्छा, इसको आपने ना अच्छे से फिक्स करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने, अब उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल या बटर लगाया है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना बैटर जो है इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना बैटर डालूँगी, सही है, इसमें सारा ही डालना है आपने, अलग अलग, मतलब मैंने और भी बनाए थे, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और बादाम वगैरह से इसको डेकोरेट कर देना है। तो फिर मैं इसको अब बेक करूँगी, लेकिन मैं जो बेक करूँगी ना, इसको मैं ओवन में नहीं करूँगी, मैं पतीले में करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पतीला लिया है, उसके बाद इसमें स्टैंड रखा है, फिर इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट के लिए। फिर जब ये हीट हो जाएगा, इसमें मतलब गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें अपना जो केक है वो रख देंगे और बेक होने के लिए रख देंगे इसको, ठीक है। अब मैंने तो चेक करा था, तो ये प्री हीट हो चुका था। तो अब मैं अपना ये जो बनाया है केक, तो वो मैं डाल दूँगी ओवन में, ठीक है। और अब इसको मैं बेक करूँगी, ठीक है जी। दोनों मैंने डाल दिए हैं, मैंने 2 बनाए थे, तो अब मैं इसको बेक करूँगी। अच्छा, आपको जितने बनाने बना लें, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे बनाएंगे ना, इसमें तो बहुत इजीली होगा कि आपको जब खाने होंगे आप आराम से इसको निकाल के खा लीजिएगा, ज़ाया भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे बेक हो चुके थे, इतने मज़े के थे ना, लिटरली लिटरली बहुत मज़े के थे, बहुत सिंपल इजी फ्रूट केक। बाज़ार से ज़्यादा अच्छा आप घर पे बना सकते हैं, आप बाज़ार की चीज़ लाए ही नहीं, मतलब आप खुद इतनी अच्छे बना सकते हैं, तो बाज़ार की मतलब लाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत मज़े के थे, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे थे। ज़रूर ट्राई करिएगा, सिंपल ईजी, आप शाम के टाइम इतने मज़े से खाइएगा, इतना मज़ा आएगा इनको खाने में। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई हो। अल्लाह हाफिज़।